हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका राज ऑल ओवर स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम करेंगे पॉलिटेक्निक की शुरुआत। दोस्तों मैंने आपको पॉलिटेक्निक का सिलेबस पूरा बता दिया था और क्या क्या पढ़ना है मैं आपको कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा, यह आपको खुद पता होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे थंबनेल पर लिखा आपकी बार पॉलिटेक्निक पर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, आपकी बार दोस्तों पॉलिटेक्निक को हम अच्छे से अच्छे रैंक से पास जरूर करेंगे। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक वो हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रास। दोस्तों सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करेंगे, बाद में देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, मैंने बताया था आपको मैथ 30 नंबर का आता है आपका, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, यानी कि 30×5 150, यानी कि 150 नंबर का टोटल दोस्तों आपका मैथ रहता है। इसी प्रकार 150 नंबर का आपका फिजिक्स रहता है, इसी प्रकार 150 नंबर का आपका केमिस्ट्री रहता है, यानी कि टोटल आपका 450 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, तो 450 में से आप कैसे अच्छा से अच्छा रैंक अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये मैं आपको कंप्लीट दोस्तों तैयारी करवाऊँगा। सिर्फ दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती जाए। ठीक है, 450 में दोस्तों कम से कम अगर आपको मैं 400 तो जरूर दिलवाऊंगा, अगर 400 ला लेते तो आप बिहार टॉपर जरूर कर जाओगे, आप बिहार में टॉप कर जाओगे। ठीक है दोस्तों, और आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिलेगा, जैसे पटना में हो गया दोस्तों, पटना से में आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, पटना में कॉलेज में आपको ब्रांच भी अच्छा मिलेगा, ब्रांच आपको दोस्तों मिलेगा सिविल, सिविल दोस्तों सबसे अच्छा ब्रांच होता है दोस्तों पॉलिटेक्निक का। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको पॉलिटेक्निक से मिलते रहे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख रखा आपकी बार पॉलिटेक्निक पर मैथ अलजेब्रा, यानी कि अलजेब्रा से हम स्टार्ट करेंगे। अभी अलजेब्रा स्टार्ट करें 100 दिन, ये दोस्तों कोर्स आपका कोर्स 100 दिन चलेगा, यानी कि 3 महीना से ज़्यादा चले, 3 महीना हम दोस्तों हम इसको ख़त्म कर देंगे। अभी दोस्तों पॉलिटेक्निक का फॉर्म अभी आने ही वाला है, अभी आया नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, मैथ अलजेब्रा पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले दोस्तों अलजेब्रा पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इसकी बेसिक बातें बताता हूँ जो कि आपको क्वेश्चन हल करने में आसान होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसके बेसिक चीज़ क्या है मैं आपको थोड़ा दिखता हूँ, आप इन सबको नोट करते जाइए, आप इन सबको नोट करते जाइए। देखिए मैं आपको बेसिक चीज़ का बताता हूँ, बेसिक यही है आपका। देखिए अगर इसमें आपको सवाल कैसा रहे, सवाल आपको कैसा रहे, आपने थंबनेल पे खुद देखा होगा सवाल, इसे आपको मिलेगा x प्लस 1/x = 5 दिया हुआ है, तो आपका पूछ देगा x² + 1/x² का मान बताइए। ऐसा ही सवाल दोस्तों आपका बनता है पॉलिटेक्निक में अलजेब्रा से। ठीक है, तो इस सवाल को हम इजीली कवर करेंगे दोस्तों, ट्रिक के अनुसार कवर करेंगे, ट्रिक लंबा सवाल नहीं, क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको ट्रिक से ही बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, अगर आपको ऐसा सवाल मिल जाए x + 1/x = 2, कुछ भी रख सकता है यहाँ पर, 2 ही नहीं रहेगा, तो आप अगर पूछ दे आपको x² + 1/x² क्या होगा, इसको पहले आप नोट कर लो, ये लिख लो टाइप 1, ये क्या लिख लो टाइप 1 करके आपको अभी नोट कर लो। ठीक है, टाइप 1 के कॉपी नोट कर लो। अगर आपको ऐसा दे दे यदि x + 1/x = 2, फिर x² + 1/x² क्या होगा, तो कुछ नहीं करना आपको, सीधा लिखना है p² - 2। अब ये p² - 2 क्या है ये मैं आपको बताता हूँ अच्छे दोस्तों, बहुत ही दोस्तों इजी ट्रिक है, आप समझ जाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए ऐसा सवाल मिल जाए, सिर्फ आपको p² - 2 करना है। अब देखो p क्या है, p आपका ये है, ये जो दिया हुआ आपका x + 1/x = 2, ये आपका p है। ठीक है, तो देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x + 1/x = 2 है, तो हमको पूछा क्या है x² + 1/x² क्या होगा, तो हम ट्रिक क्या जानते हैं p² - 2। अब p कितना है, p देखिए 2 है, तो 2 का स्क्वायर कीजिए आप, 2 का स्क्वायर और माइनस है यहाँ, तो माइनस देंगे और 2, तो 2 स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 होगा, अब माइनस 2, 4 में 2 गया 2, यानी दोस्तों 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है p² - 2। ठीक है, तो ये दोस्तों टाइप 1 था। अब देखते हैं टाइप 2 के बारे में, इसका दोस्तों मैं अभी आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसका मैं दोस्तों अभी आपको क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन भी लिया है दोस्तों, आपके मॉक टेस्ट से क्वेश्चन भी लिया ताकि आपको दोस्तों अच्छे से कवर हो जाए, मैंने क्वेश्चन भी लिया, जब आप क्वेश्चन खुद से हल करोगे तब आपको हाँ सर हमें समझ में आया। ठीक है, चलिए और दूसरा टाइप, अब देखो टाइप 2 मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, टाइप 2 ये टाइप 1 था, अब टाइप 2 में आपको सवाल कैसे आएगा, टाइप 2 में उल्टा कर देगा, जैसे आपको दे देगा x² + 1/x² = 4। ठीक है, x² + 1/x² = 14 मान लो। ठीक है, उसके बाद आपको पूछ देगा x + 1/x = क्या होगा, देखिए अब उल्टा पूछ दिया, पहले क्या था, पहले आपको ये दे देता था और ये पूछता था, लेकिन आपके बार ये दिया है और ये पूछ रहा है, तो उल्टा कर दिया। ठीक है, तो आपको घबराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसका भी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, इसका आप कैसे करना है देखिए। चलिए तो ये टाइप 2 था, आप टाइप 2 अच्छे से लिख लिए। देखिए सबसे पहले जो ये आपका दिया हुआ, ये जो दिया हुआ आपका, इसको आपको के मान लें, इसको क्या मान लें, आपको के मान लेना, चलिए मैं इसको बताता हूँ इसको के मान लें,
आप x प्लस वन बटे एक्स बराबर मान लो k, क्या मान लो k मान लो। उसके बाद दोस्तों आप दोनों पर दोनों तरह आप वर्क कर दो, दोनों तरफ वर्क कर दो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ये सूत्र बैठेगा, ए स्क्वायर प्लस वन बटे बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू गुने एक्स गुने वन बटे एक्स और बराबर इधर के है तो इसका आप स्क्वायर करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा दोस्तों, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर और इधर क्या बचा प्लस टू बचा, अब बराबर इधर क्या बचा के स्क्वायर बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे और देखिए, अब हम क्या करेंगे दोस्तों देखिएगा ज़रा, अब हम क्या करेंगे देखिएगा, देखिए यहाँ तक तो समझ में आया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर के स्क्वायर। अब अगला स्लाइड हम थोड़ा लेते हैं, आप कॉपी में नोट जरूर करते, आप कॉपी में नोट जरूर करते हैं, ठीक है, कॉपी में नोट जरूर करते हैं। देखिए अब क्या हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर बराबर के माइनस टू लिख सकते हैं, अब के स्क्वायर माइनस टू। अब कैसे लिखेंगे ये देखिए, यहाँ पर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर के स्क्वायर, अगर इसी अगर हम इस दो को उधर फेंकेंगे के स्क्वायर साइड में तो माइनस टू हो जाएगा, वही दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा, वही मैंने यहाँ पर लिखा, देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस टू। अब दोस्तों आप ध्यान दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर, ये जो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर, इसका आपको वैल्यू कितना दिया, आप देखिए क्वेश्चन में आते हैं, देखिए आपका वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर बराबर चौदह, इतना का वैल्यू आपको दोस्तों चौदह दिया हुआ है, तो हम चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो इतना का वैल्यू क्या चौदह दिया हुआ है और इधर क्या है, इधर आपका है के स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। अब देखिए अब तो आप सिंपलीफाई आराम से कर लोगे, इस माइनस टू को इधर फेंक दो तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा चौदह, जब इधर जाएगा माइनस जुड़ जाएगा तो सोलह हो जाएगा। अब देखो तो इधर क्या हो जाएगा, इधर सोलह का वर्गमूल हो जाएगा, अब सोलह का वर्गमूल कितना होगा चार, तो चार आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको घुमा के पूछेगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, घुमा के पूछेगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये टाइप नंबर टू था, अब देखते हैं टाइप नंबर थ्री, अब टाइप नंबर थ्री में आपको किस तरह से सवाल आएगा वो भी हम देखते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए टाइप नंबर थ्री, अब लिखिए टाइप थ्री, मैं आपको टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, टाइप थ्री लिखिए आप, क्या टाइप थ्री कॉपी में नोट कर लिए। अब टाइप थ्री में आपको कैसे सवाल आएगा, टाइप थ्री में बिल्कुल आसान आता है, तीन ही तरह का दोस्तों आपको सवाल बनेगा, अलजेब्रा से ज़्यादा इससे बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए टाइप थ्री में आपका सवाल कैसे बनेगा, आपको दे देगा एक्स प्लस वाई बराबर पाँच और एक्स वाई बराबर पंद्रह, तो यह दे देगा, तो यह दे देगा यदि, मैं अच्छे से क्वेश्चन भी लिख देखता हूँ आप, अभी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आप घबराइए मत, अभी मैं क्वेश्चन आपको कराऊँ, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपका टाइप किस किस टाइप से बनेगा, आप अभी जब आप क्वेश्चन करोगे खुद से तब आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। यदि एक्स प्लस वाई बराबर पाँच और एक्स वाई बराबर पंद्रह तो टू एक्स प्लस थ्री वाई का मान बताओ। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका ये टाइप नंबर थ्री में ऐसे आपका बनता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड, इसको बोलते हैं, आप लिख लो टाइप थ्री, देखे आप लिख लो वैल्यू पुटिंग मेथड, क्या लिख लो वैल्यू पुटिंग मेथड, आप ये लिख लो टाइप थ्री, देखे आप ये लिख लो वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपने लिख लिया, मैं आप इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल दोस्तों आसान है, देखिए वैल्यू पुटिंग मेथड, आपको क्या दिया एक्स प्लस वाई बराबर पाँच दिया हुआ है और एक्स वाई बराबर पंद्रह दिया हुआ है, तो टू एक्स प्लस थ्री वाई का आपका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको देखिए सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, इसका नाम ही है दोस्तों वैल्यू पुटिंग मेथड। देखिए एक्स प्लस वाई पाँच, एक्स प्लस वाई ये दोनों मिलकर पाँच आखिर कैसे हुआ, ये हम सबसे पहले दिमाग लगाएंगे। देखिए अगर हम एक्स का मान दो रखते हैं और वाई का मान तीन रखते हैं तो दो तीन पाँच पुट जाता है, देखिए ये तो पुट जाता है। अब देखिए दूसरा कंडीशन भी आपका सेटिस्फाई होना चाहिए तभी हम इसको सही मानेंगे। अब दूसरा कंडीशन देखिए यहाँ दिया हुआ एक्स वाई और पंद्रह, हमने एक्स का मान दो रखा था और वाई का मान तीन रखा था, दो तीन पाँच हो गया, लेकिन अगर एक्स का मान दो रखते हैं वाई का मान तीन रखते हैं दो तीन छः तो ये नहीं होता, एक्स का मान आप कुछ अलग रखिए। चलिए हम एक्स का मान तीन रखते हैं, एक्स का मान तीन रखते हैं ये शायद यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर ये ऐसे नहीं होगा, रुकिए एक मिनट में आपको बताता हूँ, शायद मैंने समीकरण गलती लिख दिया, तो कोई बात नहीं मैं इसको सही कर देता हूँ, थोड़ा मैं इसको सही कर देता हूँ, एक मिनट दोस्तों आप जाइएगा मत, अभी थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई थी, थोड़ी सी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक होगी, यहाँ पर आपका होगा एक्स प्लस वाई बराबर दोस्तों आपका यहाँ आठ होगा, क्या होगा आठ होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया तो आपको घबराना नहीं है,
थोड़ा सा मिस्टर, अब देखिए अब दिमाग लगे, एक्स प्लस वाई आठ, ये एक्स प्लस वाई आठ कैसे हुआ? अगर एक्स का मान आप पाँच रखो, वाई का मान तीन रखो, तो पाँच तीन आठ आपका ये फूट गया, यानी कि ये पहला वाला तो आपका फूट गया, लेकिन हमको दूसरा वाला भी पूरा होना, अगर दूसरा वाला फूट जाएगा तो हम समीकरण को सही मानेंगे। अब दूसरा वाला हम भी एक्स का मान पाँच रखिए, एक्स का मान पाँच रखें, अब देखिए ये तो आपस में गुना में है, ये क्या गुना में है, तो गुना करेंगे, गुना और वाई का मान कितना रखे थे, वाई का मान तीन रखे हैं, तो तीन रखिए, तीन अब पाँच या पंद्रह। देखिए दोस्तों अब हमारा दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड हो गया, एक्स का मान अगर पाँच रखे हैं, वाई का मान तीन रखे हैं, तो पाँच तीन आठ यहाँ भी हो गया, और एक्स का मान फिर पाँच रखे, वाई का मान तीन रखे, तो पाँच या पंद्रह यहाँ भी हो गया, यानी कि दोस्तों हमारा एक्स का मान पाँच और वाई का मान तीन रखने पर हमारा वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाता है। तो उसी तरह दोस्तों आपका मान ही निकल गया, एक्स का मान पाँच निकल गया, वाई का मान तीन निकल गया। अब कुछ नहीं करना आपको, सिंपल बात है, यहाँ क्या करना है, एक्स का मान पाँच रखना और वाई का मान यहाँ तीन रखना, आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग मेथड दोस्तों आपका यही होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे इसको। तो देखिए आपका x का मान कितना निकला है, x का मान पाँच निकला, आप देख सकते हैं y का मान तीन निकला है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर x का मान पाँच निकला आपका और y का मान तीन निकला, और हमें निकालना क्या कह रहा है, निकालना हमें यही कह रहा है 2x प्लस थ्री का, थ्री वाई का मान निकाले, तो 2x प्लस थ्री वाई का मान निकाले, ये होगा। अब देखिए टू अब वैल्यू पुट कर दीजिए, x का मान कितना है पाँच है, तो पाँच प्लस थ्री, y का मान कितना, y का मान तीन है, तीन रख दीजिए। अब क्या होगा, दो पंचे दस, तीन तीय नौ, यानी कि दस नौ उन्नीस, यानी कि उन्नीस आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों वैल्यू पुटिंग मेथड आपका कुछ यही था। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों टाइप दोस्तों अच्छे तरीके समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर, आप क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि हाँ हमने कुछ सीखा मैथ के अलजबरा क्लास में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका यह रहा, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, पहले आप वीडियो को पॉज करिए, आप सॉल्व करिए, क्योंकि मैंने इस टाइप का दोस्तों क्वेश्चन आपको करा दिया है, ठीक है। इस टाइप का दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है, तो मैं थोड़ा मैं पाँच सेकंड लूँगा, आप फिर उसके बाद आप सॉल्व करके बताइएगा। तो चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन बन गया हो, क्योंकि मैंने दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दिया। तो चलिए हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं और आंसर आप मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है एक दिया हुआ ऑप्शन, तीन दिया हुआ है, दो दिया हुआ, चार दिया हुआ, ये अगर सॉल्व करेंगे आपको लगेगा हाँ हमने कुछ सीखा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपका हिसाब दिया हुआ एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर आपका दो दिया हुआ, ठीक है, ये आपका दिया हुआ, और आपको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है एक्स पर पावर फोर प्लस वन बटे एक्स पर पावर फोर बराबर व्हाट, यानी कि क्या होगा, यही आपका सवाल दोस्तों पूछ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सिंपली क्या बताया था, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा रहे तो अगर आपसे ये पूछे एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर, अगर ये पूछे तो हम जानते हैं कि पी स्क्वायर माइनस टू वाला फार्मूला लगा देंगे। ये दोस्तों टाइप वन का सवाल है, ये तो हम पढ़े थे, लेकिन यहाँ दोस्तों एक्स पर पावर फोर है, एक्स पर पावर फोर, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बस कुछ नहीं करना है आपको, बस यही ये जो निकलेगा इसका फिर से स्क्वायर कर देना, बस आपका एक्स पर पावर फोर का मान निकल जाएगा, वही आपका जो आंसर आएगा वही ऑप्शन में आपका मिलेगा, तो आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे, जभी तो हम इसका एक्स पावर फोर का स्क्वायर निकालेंगे। तो पहले इसका मान निकालेंगे, देखिए इसका मान सबसे पहले देखिए हम क्या होगा, इसका मान सबसे पहले क्या होगा, फिर एक्स पावर फोर का मान होगा। चलिए इसका मान मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए अगर इतना वैल्यू दिया हुआ है तो एक्स पर एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर माइनस टू होता है, ये आपको पता है। अब देखिए पी का वैल्यू कितना, मैंने बताया था ये होता है, ये आपका पी होता है, तो पी का मान कितना दो, तो दो का स्क्वायर अब माइनस दो, तो दो का स्क्वायर कितना दो, चार, और चार में दो गया दो, यानी कि दो, यानी कि दोस्तों आपका इसका वैल्यू दो निकल गया। अब कुछ नहीं करना, अब आपका क्वेश्चन में क्या पूछा, यहाँ देखिए एक्स पर पावर फोर प्लस वन बटे एक्स पर पावर फोर, यानी अगर इसका आप स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसका स्क्वायर करते हैं, थोड़ा हम नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। चलिए हमारे पास सवाल क्या था, हमारे पास सवाल था एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर बराबर टू, यही हमारा निकल, अभी हम इसको निकाले हैं, आप देख सकते, देखिए यहाँ हम यही निकाले ना अभी, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर बराबर टू, ये हम निकाले हैं अभी, आपको इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अब इसी का हम स्क्वायर कर देंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, क्या लिखेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर कर दिए, इधर भी स्क्वायर कर दिए, तो क्या होगा, ये तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर फॉर्मूला बैठ जाएगा, तो सर बैठा ये तो क्या होता है, तो हो जाएगा एक्स पर पावर फोर प्लस
वन बटे एक्स पर पावर फोर, फिर इधर क्या होगा, पहले होगा टू यानी कि टू ए बी, तो ए का मान कितना है एक्स स्क्वायर, फिर बी का मान कितना है वन बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इधर बराबर कितना, ये तो दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, ठीक है, तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अब इधर क्या बचा, अब देखिए बचा आपका एक्स पर पावर फोर प्लस वन बटे एक्स पर पावर फोर। अब देखिए ये जो प्लस दो है आप उसको उधर फेंक दीजिए, तो इधर क्या आपका इधर चार है और चार में दो जाएगा तो कितना बचेगा, दो बचेगा, तो आपका देखिए दोस्तों आंसर आ गया, आगे दोस्तों एक्स पर पावर फोर प्लस वन बटे एक्स पर पावर फोर कितना आ गया दो आ गया। अब देखिए ऑप्शन मिलाइए आप, ऑप्शन देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ने आंसर ही सी निकाला होगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ, थोड़ा सा लंबा हिसाब है, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले इसमें क्या करना, आपका देखिए दिया हुआ एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर टू, ये आपका दिया हुआ, तो मैंने सबसे पहले इसको लिख लिया। देखिए यहाँ सवाल में पूछ रहा है एक्स पर पावर फोर प्लस वन बटे एक्स पर पावर फोर का मान होगा। देखिए मैंने आपको बताया था अगर एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर दो रहे, तो अगर आपसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर, तो आपको पी स्क्वायर माइनस टू करना, ठीक है। तो इतना तक तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको एक्स पर पावर फोर पूछ दिया, तो कुछ नहीं करना, पहले आपको ये वाला वैल्यू निकाल लेना, ये वाला वैल्यू पी स्क्वायर माइनस टू वाले फॉर्मूला से निकल जाएगा। फिर इसका मान जो है, इसका मान देखिए मैंने दो निकाला, फिर आपको इसी का स्क्वायर कर देना ए प्लस बी होल स्क्वायर पर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये हिसाब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कॉपी में आप इसको नोट करते जाइए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अगर आप समझ में ना आए तो दोबारा तिबारा देखो तो आपको समझ में आए। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा जो अगला क्वेश्चन होगा वो भी आप थोड़ा देखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, इस टाइप का दोस्तों सवाल मैंने आपको करवा दे, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप जल्दी से बना लेंगे, एक मिनट के अंदर बना लेंगे। तो पहले दोस्तों आप इसको बनाइए, पॉज करके वीडियो को बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आंसर मिलाइएगा आप। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ये क्वेश्चन बना लिया होगा, अब आप आंसर मिलाइएगा, आंसर आपका कितना निकला है, जब मैं आंसर निकालूंगा तो आप मिलाइएगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत, ठीक है। इस टाइप का दोस्तों मैंने सवाल करा दिया, टाइप नंबर टू का सवाल था। देखिए सवाल क्या आपका, सवाल आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर बराबर 14, तो एक्स प्लस वन बटे एक्स का मान होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमें इसका मान दिया हुआ हमें इसका पूछ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको ही लेंगे। तो क्या लिखा, एक्स प्लस वन बटे एक्स का ही मान निकालना है, तो मान लो हमें के मान लेते हैं। देखिए जिसका मान बोलेगा निकाल उसको हम लिख लेंगे, तो एक्स प्लस वन बटे एक्स के मान लिया, अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इधर ये ए प्लस बी होल स्क्वायर पर फॉर्मूला हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो ये हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर तो है ही, तो क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो होता है आपका ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी गुने ए का मान आपका कितना है, ए का मान आपका एक्स है, टू गुने एक्स गुना बी का मान आपका कितना है, बी का मान आपका वन बटे एक्स, तो देंगे हम वन बटे एक्स, इधर आपका कितना, इधर तो के स्क्वायर है ही। अब देखिए एक्स एक्स आपका कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये जो प्लस दो है, ये प्लस दो जो देख रहे हैं आप, इसको बराबर के उस पार फेंक दीजिए, तो बराबर के उस पार इधर क्या है के स्क्वायर पहले से मौजूद है, इस प्लस टू अगर इधर फेंकेंगे तो माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप दिमाग लगाइए, अब हमने क्या बताया था आपको, ये जो बंदा दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो देख लीजिए आपका इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर बराबर 14, इसका वैल्यू आपको गिवन यानी कि दिया हुआ, तो कुछ नहीं करना, बस इसका वैल्यू आपको जो दिया उसको रख दीजिए, और फिर आपका कट्टम कुट्टी करके आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, तो देखिए फाइनली आपका दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस टू है, ये मैंने बस कुछ नहीं किया, इधर ये वाला चीज़ लिख दिया। अब देखिए अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, इसका वैल्यू आपका दोस्तों दिया हुआ है 14 दिया हुआ, इसको हम 14 लिख देते हैं, तो इसके बाद जब हम 14 लिख देते हैं, 14 यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, इधर आपका के स्क्वायर माइनस टू है ही। अब कुछ नहीं करना, इस माइनस टू को इधर फेंक दो, तो माइनस टू इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि के स्क्वायर बराबर 14 दो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये इसको अब किसी पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को अगर हम राइट साइड में फेंकेंगे तो वो रूट पर चला जाता है, तो के बराबर क्या हो जाएगा 16 का रूट,
तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी कि 4 इसका आंसर होगा। जिस जिस भाई का आंसर 4 आया होगा उसका सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों आपका 4 है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा, ये सब क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इस टाइप के सवाल दोस्तों एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, आपको अंक चेंज कर देगा, टाइप आपका यही रहेगा, बस आपको अंक चेंज कर देगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ नहीं करेगा, टाइप तो यही पूछेगा 100% गारंटी के साथ, ठीक है। और देखते हैं और भी कुछ सवाल है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए टाइप 3 का सवाल आ गया, ये टाइप 3 का सवाल मैंने आपको बताया, ये बहुत ईजी है, आप इसको पहले बनाइए फिर हम जो बनाएंगे आंसर मिलाइएगा। तो बना लिया होगा दोस्तों आपने उम्मीद करता हूँ, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, आप फिर आंसर मिलाइएगा। देखिए सवाल आपका कह रहा है, सवाल कह रहा है आपका x + y = 9 और xy = 18, तो x² + y² का मान होगा। देखिए इस टाइप का भी मैंने सवाल करा दिया, वहाँ मैंने क्या दिया था 2x + 3y का मान पूछ रहा था, और यहाँ आपका आप सबसे पहले क्या दिमाग लगाएंगे, ये जो x + y = 9 है ये 9 कैसे बना आखिर, हम सबसे पहले ये दिमाग लगाएंगे x + y का ऐसा क्या वैल्यू रखे जो कि हमारा 9 पुट जाए, ठीक है। और यहाँ नहीं कि हमारा दोनों वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए, ये 9 भी है और ये 18 भी पुरना चाहिए, ठीक है, हमारा दोनों वैल्यू भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद लगाइए आप दिमाग इसका क्या होगा आंसर, तो उम्मीद करता हूँ आपने दिमाग लगाया जाएगा। चलिए हम इसको देखते हैं सॉल्व करते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए आखिर ये जो लिखा हुआ आपका x + y = 9 लिखा हुआ आपका, और एक आपका क्या दिया हुआ xy = 18 दिया हुआ, ठीक है, यही दिया हुआ। सबसे पहले हमको वैल्यू संतुष्ट करना, अगर दोनों में जो मान रखेंगे संतुष्ट हो गया तो समझो हम वही एक्स वाई का मान रखें, इसमें हम लिखेंगे जो पुराएंगे आंसर वो आ जाएगा। जी अगर हम एक्स का मान 6 रखते हैं और वाई का मान 3 रखते हैं तो ये 9 पुर जाता है, ठीक है। फिर देखिए यही मान हम इसमें भी रखेंगे, ये ना कि सिर्फ इसमें पुर गया और इसमें नहीं पुरा तो वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होगा। फिर इसमें भी x का मान 6 रखिए और y का मान 3 रखिए, यानी कि 6 + 18 तो ये भी हमारा दोस्तों पुर जाता है, ये भी हमारा दोस्तों पुर जाता है, ठीक है। तो ये पुर जाता है, तो सिंपल सी बात है दोनों सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। वैसे हम 5, 5, 4 भी रख सकते थे, अगर 5 और 4 रखेंगे तो ये फिर भी 9 पुर जाता है, लेकिन इधर रखिए आप इधर 5 × 4 इधर क्या होता है 20 हो जाता है, लेकिन नहीं होता, हमारा दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए तभी हम उसको संतुष्ट मानेंगे। तो ये वैल्यू आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि एक्स वाई का मान क्या होगा 6, 3 होगा, तो 6, 3 होगा। अब देखिए 6x का मान के, तो हमारा पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है x² + y² का मान क्या होगा। अब देखिए x का मान क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, अब प्लस y को क्या मान है, y को 3 माने तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, अब प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, अब इसको जोड़ लीजिए 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, यानी कि 45 आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर किस में 45 है, हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में 45 है, तो 45 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी कुछ क्वेश्चन है, चलिए और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, नहीं तो ठीक है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपका उसी टाइप का है, ये क्वेश्चन आपका इसी टाइप का है, ये क्वेश्चन आपका इसी टाइप का, सेम वही सवाल है, x + 1/x = 5 दिया हुआ है, तो x² + 1/x² का मान बताइए, वही सवाल दोस्तों। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको और सुविधा हो, अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। आप इसको आंसर आप पहले इसको टेस्ट कीजिएगा, कुछ नहीं दोस्तों, बस वही सवाल है, आप थोड़ा मैं हिंट्स दे दूंगा, आप फार्मूला लगाइएगा p² - 2 वाला, कौन सा फार्मूला, p² - 2 वाला फार्मूला लगाइएगा, आपका आंसर एक बार में फेंकेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन वही है। चलिए मैं थोड़ा इसको बता देता हूँ, थोड़ा इसमें रूट वूट है तो थोड़ा आपको परेशानी लगे, देखो कोई परेशानी नहीं, बस वही फार्मूला p² - 2। जैसे ही हम देखेंगे कि x + 1/x = कुछ दिया हुआ है, कोई अंक दिया उससे हमको कोई मतलब नहीं, फिर पूछे x² + 1/x² का मान क्या होगा, हम कुछ नहीं सीधा करेंगे p² - 2 वाला फार्मूला लगाएंगे, आंसर हमारा तुरंत आ जाएगा। चलिए हम वही फार्मूला अप्लाई करते हैं, देखिए वही हमारा दिया हुआ, लेकिन शर्त क्या है, x + 1/x = अंक इधर दिया हुआ है,
फिर आपको पूछे एक्स स्क्वायर प्लस वन बट एक्स स्क्वायर, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे पी स्क्वायर माइनस टू, तो वही आपका दिया हुआ है। तो चलिए पी स्क्वायर माइनस टू का फॉर्मूला लगता है, तो पी कितना है आप देखिए, पी यही तो है मैंने बताया था, एक्स प्लस वन बट एक्स बराबर जो भी अंक दिया हुआ वही अंक आपका पी होगा। तो पी कितना दिया, रूट टू, तो पी का हो गया रूट टू का स्क्वायर, ठीक। अब माइनस है तो माइनस देंगे, माइनस टू। अब देखिए रूट टू का स्क्वायर कितना होगा, आपको पता होगा रूट का रूट से गुना करेंगे तो रूट टू टूट जाता है, यानी कि एक बचता है, यानी कि दो बचेगा, तो दो और माइनस दो, तो दो माइनस दो क्या होगा जीरो, तो यानी कि जीरो। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वही था, थोड़ा इसमें रूट था तो इसलिए आपको दिक्कत हो रहा होगा, तो मैंने आपको बता दिया। और देखते हैं आगे क्वेश्चन और भी कुछ है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका आएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आपका आएगा, इसी प्रकार का, ठीक है। तो चलिए मैं इसको भी आपको बता देता हूँ अच्छे तरीके से। देखिए शर्त क्या, वही फॉर्मूला सिर्फ लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा। देखिए क्या, एक्स प्लस वन बट एक्स बराबर टू, फिर पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बट एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस वही पी स्क्वायर माइनस टू। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ही ये यूजफुल फार्मूला, बार बार हर जगह यूजफुल फार्मूला मैं लिख देता हूँ, हर जगह यूज होगा, हर जगह यूज। तो पी स्क्वायर माइनस टू, तो पी कितना है, पी का मान आपका दो, दो का स्क्वायर माइनस दो, आप कर दो, दो का स्क्वायर कितना होगा चार, और चार में दो गया दो, यानी कि दो आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं आपको ऐसे रिलेटेड कुछ और सवाल दे देता हूँ, ऐसे रिलेटेड कुछ आप और सवाल दे देता हूँ, मैंने और सवाल लिया है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, इसका आंसर आप हमें कहाँ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक्स प्लस वाई बराबर सत्रह, एक्स वाई बराबर छाछठ, तो एक्स माइनस वाई प्लस टू का मान बताएं, इसका मान दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, कहाँ दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका हमारा कुछ, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं आपको इसको ईजी करके बताऊँगा, ठीक है। देखिए इसमें आपका क्या दिया हुआ है, इसमें आपका दिया हुआ है एक्स माइनस वन बटे एक्स बराबर जीरो, तो एक्स प्लस वन बटे एक्स का मान होगा। देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है हमारा, एक्स माइनस वन बटे एक्स बराबर जीरो दिया हुआ, और हमारा पूछा क्या रहा है, एक्स प्लस वन बटे एक्स का मान क्या होगा। देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही ईजी तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, आप लिख दिए दोनों तरफ स्क्वायर करने, दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यानी कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको बैठाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए मैं आपको एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, ए माइनस बी शायद आपको याद ना हो, किसी को याद, ऐसा नहीं होगा सबको याद नहीं होगा, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये आपका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सबको पता है, मैंने थोड़ा लिख दिया, हो सके एक दो बच्चों को पता नहीं है, लेकिन सबको अलग भी पता रहता है, ये बेसिक सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर, और क्या होगा, माइनस टू एक्स, माइनस टू गुना ए, ए कितना है एक्स, बी कितना है वन बटे एक्स, और इधर बराबर जीरो का स्क्वायर तो कोई मना नहीं है, जीरो ही रहने दो, ठीक है। तो एक्स एक्स फाइनली आपका कट गया, तो इधर क्या बचा, इधर बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर, अब माइनस टू बचा, और इधर क्या बचा आपको जीरो। चलिए इतना तो आप लिख लिए, इतना आप लिख के फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है, इतना आप लिख के नेक्स्ट पेज में चलते, ठीक है। मैंने क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर माइनस टू बराबर जीरो, यहाँ तक मैंने लिखा था, यही लिखा है, देखिए यही लिखा मैंने, यही वापस मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मैंने कोई नया चीज़ नहीं लिखा। अब देखिए हम दोनों तरफ चार ऐड करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, चार ऐड करेंगे, दोनों तरफ चार ऐड कर देंगे। देखिए जब भी हम कुछ करेंगे दोनों तरफ करेंगे, ये नहीं कि एक तरफ कहिए दोनों तरफ नहीं, हमें दोनों तरफ करना, ठीक है। देखिए चार अब जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, चार जब दोस्तों हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो देखिए चार जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर, अब देखिए चार में दो गया तो प्लस दो हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और सॉरी यहाँ दोस्तों प्लस होगा, यहाँ तो क्या होगा प्लस होगा, ठीक है, यहाँ आपका प्लस होगा, यहाँ आपका प्लस होगा, ठीक है, और इधर क्या, इधर और जीरो प्लस चार क्या होगा, आपका चार ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप हमें दिमाग लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये आपका क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे फॉर्मूला पे नहीं बैठ रहा है क्या, बिल्कुल दोस्तों बैठ रहा है, कैसे बैठ रहा है ये मैं आपको बताता हूँ, देखिए
ये आपका बैठ रहा है, बस ये आपका आंसर आ गया, आपका आंसर दोस्तों आ गया, आपका आंसर दोस्तों आ गया। देखिए कैसे बैठ रहा, देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस टू है। देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या गुना एक्स गुना वन बटे एक्स, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, एक्स एक्स तो वापस आपका कट ही जा रहा है, फिर दो दो ही बच रहा है और इधर तो चार आपका है ही। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्या बन गया, बन गया ना, बिल्कुल बन गया। एक बार फिर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बन गया आपका, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका फॉर्मूला बन गया। चलिए वही भी दोस्तों हम बता रहे थे थोड़ा आपको, या तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट भी लिख सकता था लेकिन थोड़ा आपको समझाया, नहीं तो आप सोचेंगे डायरेक्ट आपको कैसे कैसे लिख दिया। तो क्या हो गया, तो हो गया आपका एक्स प्लस वन बटे एक्स का स्क्वायर और इधर बराबर तो फोर है ही आपका। अब देखिए हमको मान क्या पूछ रहा है, अब देखिए यहाँ वैल्यू क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है एक्स प्लस वन बटे एक्स का मान क्या होगा, तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया। बोलो कैसे आ गया, देखिए यहाँ एक्स एक्स प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर और चार, अगर इस स्क्वायर को हम बराबर को उस पार फेंक देंगे तो क्या रूट में आएगा, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले टॉपिक में बताया था, अगर हम रूट को उस पार फेंकते हैं तो क्या होता है, प्लस वर्गमूल में चला जाता है, जब वर्गमूल चला यहाँ से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ से रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, हट जाएगा। अब देखो चार का वर्गमूल कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वन का, यानी कि x प्लस वन बटे एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, यानी कि दो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है चलिए और भी कुछ क्वेश्चन शायद और भी देख लेते हैं, देखिए और क्वेश्चन है शायद, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा बस और रुके रहिए दोस्तों, बस ये आपका खत्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है आपका ये दोस्तों अलजेब्रा खत्म ही हो जाएगा, अलजेब्रा आपका खत्म ही हो जाएगा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा, फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे कल। ठीक है चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन भी वही दोस्तों वैल्यू पुटिंग मेथड। अब देखिए यहाँ क्या दिया आपका क्वेश्चन, दिया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आप क्या दिया 74 दिया हुआ और दिया हुआ एक्स वाई बराबर 35 दिया हुआ। तो दोस्तों आपका पूछ रहा है एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या दिमाग लगाते हैं, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 74 ये कैसे हो गया, ये हम दिमाग लगाएंगे। अगर दोस्तों हम एक्स का मान 5 रखते हैं और वाई का मान 7 रखते हैं तो देखिए तो वैल्यू हमारा पूछ जाएगा। ठीक है कैसे पूरेगा ये मैं आपको बताता हूँ, चलिए मैं इसको ऐसे यहाँ ले लेता हूँ। आपका सवाल क्या है, सवाल आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 74 है और आपका एक्स वाई बराबर 35 सही है ना। चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक्स बराबर 5 मान लेता हूँ और वाई बराबर 7 मान लेता हूँ। देखिए एक्स बराबर जब 5 माना वाई बराबर 7 माना तो यहाँ क्या, यहाँ आपका यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25। फिर आपका यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस देंगे हम, अब फिर क्या आपका, फिर यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई का वैल्यू कितना दिया 7, तो 7 का स्क्वायर देंगे हम, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा दोस्तों 49। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 74 होता है, यानी कि दोस्तों हमारा पहला समीकरण सेटिस्फाई होता है, पहला समीकरण हमारा पूर्ण जाता है अगर हम एक्स का मान 5 रखते हैं और वाई का मान 7 रखते हैं। लेकिन हमारा पहला पूर्ण इसका काम नहीं होगा, हमें दोनों पूर्ण चाहिए तभी हमारा एक्स का मान 5 और वाई का मान 7 सही माना जाएगा। अब देखिए दूसरे में भी रखिए, दूसरा क्या है एक्स बराबर 35, तो देखिए यानी कि एक्स का मान पाँच और गुने वाई का मान 7 यानी कि 35 दोस्तों ये भी हमारा पूर गया, 5 से 35 ये भी पूर गया। तो दोस्तों हमारा एक्स जो हमने 5 माना था, एक्स बराबर 5 माना था और वाई बराबर 7, ये दोस्तों हमारा क्या है, ये सेटिस्फाइड है, ये हमारे लिए सही है, यही एक्स का और एक्स का एक्स वाई का मान यही होगा। ठीक है अब चलिए एक्स वाई का मान निकल गया तो हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है दोस्तों एक्स माइनस वाई का मान, हमें क्या पूछ रहा है एक्स माइनस वाई का मान, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई का मान, तो एक्स का मान कितना था 7 था और वाई का मान कितना था 5 था, तो 7 में 5 का कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका अलजेब्रा का टॉपिक आपका दोस्तों खत्म होता है, पॉलिटेक्निक का दोस्तों जो अलजेब्रा क्वेश्चन आता है दोस्तों एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, अलजेब्रा क्वेश्चन दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका बाहर इससे नहीं जाएगा। ठीक है अब हम नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों शुरू करेंगे, वो हम करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, क्या करेंगे ट्रिगोनोमेट्री दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे। ठीक है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको 100 दिन का दोस्तों पॉलिटेक्निक का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। ठीक है चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।